नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड की, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। भाई सबसे उचित तरीका क्या हो सकता है, किताबें पढ़वाना गलत है, परियोजना कार्य करवाना गलत है, लिखित परीक्षाएं लेना गलत है, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। देखो ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट है, की पॉइंट आपका पॉजिटिव साइंस के लिए यूज किया। तो असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज के लिए क्या है, ऑब्जर्वेशन सबसे अच्छा है भाषा प्रयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98। तो 98 क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी यहाँ पे बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की होती है। नेक्स्ट है भाषा अर्जित, लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स करने की प्रक्रिया किसका महत्व सर्वाधिक है, पाठ्य पुस्तक का गलत है, इसको तो हमें लर्निंग करना पड़ता है, भाषा कक्षा का ये भी गलत है, भाषा प्रयोगशाला का गलत है, तो समाज का यहाँ पे अहम रोल जो होता है, समाज के अकॉर्डिंग हमें ढल के जो वो एकदम से एक्वायर हो जाती है नॉलेज जो भाषा लैंग्वेज है वो। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो गलत है, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो गलत है, वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो गलत है, कहानी अधिक से अधिक शामिल हो, ये ठीक है आपका प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 की भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते, देखो ही आ जाए जिसमें, ही आ जाए जिसमें या केवल आ जाए, तो ये जो ऑप्शन है वो आपके नेगलेट है। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषा पूंजी से लैस होते हैं, ये भी जो आपका नेगेटिव वर्ड है, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। देखो चारों ऑप्शन में जो है वो आपके यहाँ पे कंफ्यूजिंग करने वाले हैं, जिसमें ही और लैस और ही, तो जो है बच्चे स्कूल आने से पहले अपनी जो भाषा पूंजी से यहाँ पे मीन्स जुड़े होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन है जो आपका वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो पूंजी से लैस वर्ड को देखते ही इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे, वो फिर पता नहीं कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, फर्स्ट या फोर्थ, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड सर्कल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 102 की बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं, एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, तो बच्चे प्रारंभ से ही, देखो जब प्रारंभ की बात आए कि बच्चे शुरू से ही क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं या भाषा में कमजोर होते हैं, देखो ये गलत आपका, एक भाषिक होते हैं या फिर द्विभाषिक होते हैं, तो कन्फ्यूजन आपको बहुभाषिक में और एक भाषिक में है। आप स्टेजेस में देखिए, जो 0 से 2 साल का बच्चा है या इन्फेंसी का, प्रीनेटल का है, वो द्विभाषिक तो कैसे यूज कर लेंगे, तो बच्चे जो होते हैं वो प्रारंभ से यानी कि बहुभाषिक होते हैं, वो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अपनी अनेक अनेक भाषाओं का, घर पर अलग, स्कूल में अलग, तो इस तरह की जो भाषाएं हैं वो एक्वायर कर लेते हैं समाज में आने के बाद, तो बच्चे बहुभाषिक होंगे ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम देना, तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम देना है, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के अवसर देना। देखो यहाँ पे जब अपॉर्चुनिटी की बात आएगी तो वहाँ पे वो आंसर आपका करेक्ट हो सकता है, साथ कविता गाना या कहानी सुनाना, तो सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ विधि आपकी सेकंड। नेक्स्ट है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का क्या उद्देश्य हो सकता है, तो हेतु सामग्री उपलब्ध कराने की सहायता, ये तो गलत है, गृह कार्य की सामग्री जुटाना गलत है, व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना गलत है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, फिर से अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कीवर्ड आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या हो सकता है, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, तो बच्चे की मातृभाषा को जो यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन